नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में बात इसराइल पर हमले की, क्योंकि इसराइल पर ऐसा हमला हुआ है जो 7 अक्टूबर के बाद नहीं हुआ था। हिजबुल्ला ने इसराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर पर 100 रॉकेट दागे। हैरत की बात तो यह है कि इसराइल का आयरन ड्रोन इन रॉकेट्स को रोकने में फेल साबित हुआ, और फिर जमीन पर जो तबाही मची उसे देखकर नेतन्याहू भी हैरान रह गए। देखिए रिपोर्ट। इसराइल में ये काला रविवार है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है। ऐसे वीडियो इसराइल में वायरल हो रहे हैं जिन पर हिजबुल्ला की छाप लगी हुई है। एक साथ इतने हमलों को देखकर नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट में खलबली मच गई है, क्योंकि हिजबुल्ला ने इसराइल के उस शहर पर हमला किया है जो आबादी के लिहाज से तेल अवीव के बाद इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह है हाइफा। हाइफा यानी इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह। हाइफा मतलब इसराइल का सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका। हाइफा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री। हाइफा मतलब इसराइल की अर्थव्यवस्था की रीढ़। क्या हाइफा पर हुआ हमला हिजबुल्ला का पेजर बम वाले अटैक का बदला है? क्या हाइफा को हिलाकर इसराइल को हिजबुल्ला ने सबसे बड़ी वार्निंग दे दी है? हिजबुल्ला ने इसराइल के उस अड्डे को टारगेट बनाने का दावा किया है जहां से फाइटर जेट उड़कर लेबनान पर बमबारी कर रहे हैं। हिजबुल्ला ने अपना बड़ा टारगेट इसराइल रमात डेविड एयरबेस को बनाया है। ये एयरबेस हाइफा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। मैप पर देखिए, यहां पर हाइफा है और यहां पर है इसराइल का बहुत ही खास और सीक्रेट रमात एयरबेस। ये दोनों जगह लेबनान बॉर्डर से 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में है। रमात एयरबेस पर इसराइल एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट की 3 स्क्वाड्रन तैनात है, यानी 50 से ज्यादा F-16 इसी एयरबेस पर तैनात है। रमात एयरबेस पर इसराइल की 2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी हैं, जिनकी मदद से दक्षिणी लेबनान में बमबारी की जाती है। इस एयरबेस और आसपास के इलाके में हिजबुल्ला ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। कुछ रॉकेट हाइफा में क्रियात बाइलिक इलाके में भी गिरे। यहां पर लगी आग से आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्ला की फायर पावर इसराइल के लिए कितनी हानिकारक है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने फादी 1 और फादी 2 रॉकेट से हमला किया है। यह ऐसा रॉकेट है जिसको पहली बार इस्तेमाल किया गया है। फादी 1 220 मिलीमीटर वाले कैलिबर का रॉकेट है और उसकी रेंज 80 किलोमीटर है, जबकि फादी 2 302 मिलीमीटर कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 105 किलोमीटर बताई जा रही है। फादी रॉकेट सीरिया के M-302 रॉकेट की नकल बताया जा रहा है, लेकिन ये बात सच है कि हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद से ये हिजबुल्ला का सबसे बड़ा हमला है। इस अटैक में इसराइल का कितना नुकसान हुआ है इस पर नेतन्याहू अभी खामोश हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हिजबुल्ला का हमला कितना खतरनाक था। क्या हिजबुल्ला ने हाइफा पर हमला करके पेजर बम वाले अटैक का बदला ले लिया है? क्या हिजबुल्ला ने हाइफा को हिलाकर इसराइल को सबसे बड़ी वार्निंग दे दी है? इस वक्त इसराइल में जैसे धारा 144 लागू है, बाहर यानी सड़क और बाजार में 10 लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी लगी है, जबकि घरों या किसी बिल्डिंग के अंदर 100 लोगों को एक जगह होने पर मना किया गया है। हिजबुल्ला के हमलों के बाद उत्तरी इसराइल में बहुत ज्यादा खौफ है। गोलान की पहाड़ियों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गलीली, हाइफा
और बेतशीन इलाकों में स्कूल बंद करने का ऑर्डर है। जुलाई 2024 में इस ड्रोन वीडियो को रिलीज करके हिजबुल्ला ने इसराइल को चौंका दिया था, जब उसके एक ड्रोन ने इसराइल के कई खुफिया ठिकानों की रिकॉर्डिंग की और उसकी पूरी जानकारी बेरूत में हिजबुल्ला हेडक्वार्टर को भेज दी थी। पूरे इसराइल में इस ड्रोन फुटेज ने कोहराम मचा दिया था। तब हिजबुल्ला ने दावा किया था कि इसराइल के इंचिन इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास पहुंच चुकी है। وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا. हिजबुल्ला ने इसराइल को डराने वाला वीडियो रिलीज किया तो नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूल गए। नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इसराइल के ऊपर उड़ रहा है। 10 मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इसराइल के कई शहरों पर उड़ा है। 18 जून 2024 को हिजबुल्ला का जो ड्रोन इसराइल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इसराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इसराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफद, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इसराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया। अब इसी ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल करके हिजबुल्ला ने इसराइल को काला रविवार वाला तोहफा दिया है। यह आग बता रही है कि हिजबुल्ला ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। हिजबुल्ला के ड्रोन से हाइफा का पोर्ट भी रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में इजरायली हथियारों की कंपनी रफाइल का कॉम्प्लेक्स भी फिल्माया गया था, मिसाइल के गोदाम, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी कमांड सेंटर से लेकर कई अड्डे रिकॉर्ड किए गए। فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا اسلحة. اس وقت اسرائیل لبنان بارڈر کے قریب کئی علاقے خالی ہو چکے ہیں۔ لبنان کے بارڈر کے آس پاس 60 کلومیٹر کے دائرے میں 30,000 کی آبادی اپنا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، لیکن دہشت اسرائیل میں بھی ہے۔ اس کے کریات شمونہ جیسے شہر خالی پڑے ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ لوگ دکشن اسرائیل کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। अब हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक ने युद्ध का तापमान बढ़ा दिया है। इसराइल और हिजबुल्ला का अघोषित युद्ध अब गजा पर बमबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है। 12वें महीने में इसराइल पर रॉकेटबाजी और लेबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो दोनों में से एक पक्ष हमला नहीं करता है। इसराइल और हिजबुल्ला के अघोषित युद्ध में अब तक इसराइल के 26 नागरिक और 22 सैनिक हिजबुल्ला के हमलों में मारे गए हैं, जबकि नसरल्ला के 502 लड़ाके अब तक मारे जा चुके हैं। ये लेबनान के मिलिशिया को बड़ा झटका है, इसलिए नसरल्ला और हिजबुल्ला दोनों आग बबूला हैं। पेजर बम वाले सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला बड़ा बदला लेना चाहता है। लेबनान और इसराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला के टारगेट पर अब इसराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी।